मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ फार्मा सलाहकार जेएन सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 28 में किए जा रहे निर्माण कार्यों तथा रोड, सीवर, इंटरनल रोड और अन्य विकास कार्य आदि की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अरुणवीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण भी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों सलाहकारों द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की भौतिक प्रगति का निरीक्षण भी किया गया। सलाहकारों ने निर्माण कार्यों की गति पर अधिकारियों की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक मुख्य कारण यह भी है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोगों को देश के किसी भी कोने में जाने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेलगाड़ी, मेट्रो और पोर्ट टैक्सी समेत काफ़ी कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट की प्रगति समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डॉक्टर अरुणवीर सिंह, शैलेंद्र भाटिया नोडल अधिकारी नियाल और दिनेश जामवाल प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंसेशनियर यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड भी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क को जल्द शुरू करने के लिए प्लेटेड फैक्ट्री बनाई जाएंगी। शुरुआत में फ्लेटेड फैक्ट्री के 3 कंपाउंड बनाए जाएंगे। यह 4 मंजिला होंगे। इसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी। इन्हें मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को किराए पर दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल एक्सपोर्ट काउंसलिंग का मुख्य दफ्तर भी बनाया जाएगा। इसके लिए यमुना प्राधिकरण 5 एकड़ जमीन दे चुका है। इसके 4 रीजनल सेंटर भी होंगे। एक्सपोर्ट काउंसिल का दफ्तर बनाने से उद्यमियों को आयात निर्यात में दिक्कत नहीं होगी।